हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही एग कोरमा। वैसे हम मटन कोरमा, चिकन कोरमा तो बनाते ही हैं, तो क्यों ना आज एग कोरमा ट्राई किया जाए। इस कोरमा की रेसिपी बहुत ही आसान है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाही एग कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 उबले हुए अंडे लिए हैं, तो किसी शार्प नाइफ की मदद से हम इन अंडों को प्रिक कर लेंगे। अंडों को प्रिक करने के लिए आप यहाँ पर फोर्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जब हम अंडों को फ्राई करेंगे तो ये तेल में बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, और ग्रेवी के लिए हम जो भी मसाला बनाएंगे उसका फ्लेवर अंडों के अंदर तक पहुंच जाएगा। अब पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 8 छोटी हरी मिर्च, 10 काजू, 10 बादाम और 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। तो इन सारी चीज़ों को मिक्सी जार में ऐड करके 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। और मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे भी हम मिक्सी जार में अलग से पीस लेंगे। अब एक पैन में ऐड करेंगे 1/2 कप तेल। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद हमने जो अंडे बॉईल करके रखे हुए हैं उसे ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर अंडों को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इस पर गोल्डन कलर की क्रिस्पी लेयर ना आ जाए। तो अंडों को फ्राई करने के दौरान हम इसे उलट पुलट करते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इस तरह जब अंडों पर गोल्डन कलर की क्रिस्पी लेयर आ जाएगी तब तक हम इनको तेल में फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। तेल में से हमने अंडों को फ्राई करके निकाल लिया है। तेल ऑलरेडी गर्म है तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1/2 टीस्पून जीरा, 5 काली मिर्च, 2 दालचीनी और 1 बादियान का फूल। कुछ सेकंड्स तक इन खड़े मसालों को तेल में सोटे करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो हमने जो 3 मीडियम साइज़ की प्याज पीस कर रखी हुई है वो इसमें ऐड करेंगे, और प्याज को तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। तो देखिए, प्याज का कच्चापन दूर होने तक मैंने इसे तेल में मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम प्याज के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसे 1 मिनट तक और फ्राई कर लिया। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून या फिर स्वाद अनुसार नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूखे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने बादाम, तिल, काजू और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाकर रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे, और मिक्सी जार को खंगाल कर इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर 8 छोटी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप कोरमा कितना स्पाइसी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। तो मैंने इसे कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लिया है, और बीच बीच में मैंने इसे 2 बार चेक किया था, क्योंकि हमने इसमें काजू ऐड किए हैं इसलिए हम इसे चेक कर लेंगे ताकि नीचे दाग ना लगे। तो 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाने के बाद एक बार इसे चेक कर लेंगे, और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप दही। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे।
तो दही ऐड करने के बाद मैंने इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए और पका लिया है। अब हमने जो उबले हुए अंडे फ्राई करके रखे हुए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में हम यहाँ पर ग्रेवी के लिए दूध ऐड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रेवी के लिए 1 कप दूध ऐड कर रहे हैं। आपको ग्रेवी अगर थोड़ी गाढ़ी रखनी हो तो आप दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। दूध ऐड करते वक्त गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, नहीं तो दूध फट भी सकता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके हम लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो मैंने इसे कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए और पका लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया शाही एग कोरमा बनकर तैयार हुआ है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो खाने के लिए तैयार है डेलीशियस शाही एग कोरमा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।